एपिसोड शुरू होता है और एक लड़का स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये जो लड़का है ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ली होते हैं, यानी कि ये पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक खड़ा बूढ़ा आदमी जो कि इनका मास्टर होता है वो कहता है, सी और स्नो माउंटेन ओपन करने के लिए 20 साल लगेंगे तुम्हें। और मिस्टर ली कहते हैं, 20 साल मैं नहीं कर रहा और प्रैक्टिस। इनके मास्टर कहते हैं, रो मत मास्टर, तुम्हें माउंटेन के नीचे ले जाएंगे कैंडीज खरीदने लोगों के लिए, तुम सिटी जा पाओगे। मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाता हूँ, चलो हर बार जब स्वॉर्ड प्रैक्टिस करो तुम तब चीखो और स्वॉर्ड घुमाओ। और मिस्टर ली ऐसे ही करने लगते हैं और करते करते रात हो जाती है। ये फिर रोते हुए कहते हैं, मास्टर मैं ऑलरेडी 20,000 बार स्वॉर्ड घुमा चुका हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है मुझसे। इनके मास्टर कहते हैं, फिर शायद ये ट्रिक तुम्हारे लिए नहीं है, मैं कल तुम्हें कुछ और सिखाऊंगा। मिस्टर ली कहते हैं, मास्टर आपने मुझे उल्लू बनाया। नेक्स्ट दिन में अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर ली की वाइफ कहती है, आप ऐसे क्यों लग रहे हो। ये कहने लगते हैं, मुझे याद है जब मैं स्पोर्ट्समैनशिप प्रैक्टिस करता था, मुझे 2 साल लगे थे सी ओपन करने के लिए मेरी स्पिरिट से, लेकिन लूशू को देखो 2 महीने ही हुए उसे बस प्रैक्टिस करते हुए। और बाहर इसे देखने लगते हैं प्रैक्टिस करते हुए और फिर बाहर आके कहते हैं, चिल्लाना बंद करो, बस एक बार ही काफ़ी है। लूशू कहता है, जितनी बार मैं चिल्ला रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि सी ऑफ क्यू स्ट्रांग हो रही है। मिस्टर ली कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी ओपन कर लोगे तो वो बेटर रहेगा। इसके बाद लूशू कहता है, बूढ़े आदमी ने कहा था कि क्लाउड्स रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा क्लाउड इकट्ठा हो रहा है उतना मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है। और नेक्स्ट सीन में ये टॉयलेट में होता है। यहाँ पर शायू आके कहती है, क्या तुम्हारा पेट खराब है, तुम यही बैठे हो और गा रहे हो। लूशू बाहर आके कहता है, मैं गा नहीं रहा था। शायू कहती है, मैंने सुना। लूशू कहता है, मैं तो बस ट्रैवल गाइड देख रहा था। शायू कहती है, लूशू क्या हम ट्रिप पे जा रहे हैं। और फिर प्लेन से चलने को कहती है। लूशू कहता है, ट्रेन से ही ठीक है, प्लेन में अगली बार ले जाऊंगा मैं तुम्हें। अब अगले दिन लूशू मिस्टर ली के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये कहते हैं, आज हम 4th स्वॉर्ड मूव प्रैक्टिस करेंगे, ब्रेल। ये ऐसा है जैसे कि एक ड्रैगन फ्लाई वाटर टच कर रही हो बिना आवाज़ के, लेकिन लहर खड़ी कर देती है। ब्रेल सीखना शुरू करो। अब लूशू प्रैक्टिस करने लगता है और चारों तरफ इसके क्लाउड्स आ जाते हैं। यहाँ ये अपनी स्वॉर्ड्स घुमाते रहता है लेकिन क्लाउड्स इस पर हावी हो जाते हैं। मिस्टर ली कहते हैं, हमारे टाइम पे हम सोया नहीं करते थे क्लाउड्स को सप्रेस करने के लिए, तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा। लूशू कहता है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी कूल है, एक बार अगर अचीव कर लिया तो काफ़ी अच्छा लगेगा, फिर ये सब काफ़ी मज़ेदार है। ये सुनकर मिस्टर ली का मुंह खुला रह जाता है और कहते हैं, क्या ये सब तुम्हें कोई खेल लग रहा है। अब लूशू फिर से अपनी प्रैक्टिस पर लग जाता है और यहाँ पर स्वॉर्ड घुमाने लगता है और क्लाउड्स में हलचल होने लगती है और यहाँ पर बारिश गिरती है और यहाँ पर भी एक झटका सा लगता है आसपास। तभी मिस्टर ली कहते हैं, मार्शल आर्ट साउंड। लूशू कहता है, क्या कहा आपने। और अब मिस्टर ली पास्ट का सीन याद करते हैं जिसमें पढ़ रहे होते हैं कि स्वॉर्ड मैनुअल में लिखा है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग प्रेडिसेसर क्लाउड्स इकट्ठा करता है और उसे रेन में कन्वर्ट कर देता है मार्शल आर्ट साउंड के साथ। और फिर पूछता है, ये मार्शल आर्ट साउंड क्या है। इनके मास्टर कहते हैं, पता नहीं कभी सुना नहीं। मिस्टर ली पूछते हैं, कैसा होता है जब क्यूआई स्नो माउंटेन ओपन होता है। ये कहते हैं, एंसेस्टर्स ने स्वॉर्ड मैनुअल में रिकॉर्ड करा है, ये एरोशन की तरह वाइल्ड होती है, स्नो माउंटेन्स काफ़ी फैले हुए हैं, अगर स्वॉर्ड को परफेक्ट कर लिया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग माउंटेन जैसे होगा। और यहाँ प्रेजेंट में मिस्टर ली के काफ़ी नेगेटिव इमोशंस निकल रहे होते हैं। लूशू ये देख के सोचने लगता है कि ऐसा हो क्यों रहा है और फिर पूछता है, क्या मैंने क्लाउड्स को रेन में कन्वर्ट कर दिया। मिस्टर ली कहते हैं, अभी भी रेन को सी में और सी को ओशन में कन्वर्ट करना बाकी है, इतनी जल्दी सेटिस्फाई मत हो तुम। लूशू कहता है, समझ गया। और फिर प्रैक्टिस करने लगता है और पूछता है, कैसा होता है जब क्यूआई स्नो माउंटेन ओपन होता है। मिस्टर ली फिर से वही बात दोहराते जो इनके मास्टर ने कही थी। कहते हैं, एयर ओशन जितनी वाइल्ड होती है, स्नो माउंटेन काफ़ी फैले हुए हैं, अगर स्वॉर्ड को परफेक्ट कर लिया जाए तो ये एक माउंटेन जैसी होगी। लूशू कहता है, आप समर वेकेशन पर ब्रेक ले सकते हो क्या, मैं शायू को ट्रिप पर ले जा रहा हूँ। मिस्टर ली कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों पैकिंग करते हैं, तैयार होते हैं और ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। ये ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं और यहाँ पर अंदर एंटर करते वक्त एक आदमी कहता है, क्या तुम्हारे सूटकेस में कोई जानवर है।
ट्रेन में जानवर अलाउ नहीं है। लोशू कहता है ये गिलहरी तो बस एक टॉय है। लेकिन तभी बगल से एक आदमी चिप्स खाते हुए जा रहा होता है और ये गिलहरी खुद को रोक नहीं पाती और अपना सर घुमा देती है और इसकी वजह से अब लूशू अंदर नहीं जा पाता। लूशू अभी से गुस्से में कहता है आज से तुम हर दिन 80 वर्ड्स याद करोगी। और ये गिलहरी और भी टेंशन में आ जाती है और फिर इसे कहता है तुम वहाँ से जाओ और प्लेटफॉर्म में मिलना हमें। और ये गिलहरी ऐसा ही करती है। लूशू अब ट्रेन के पास पहुँचता है और साहिब की गिलहरी भी आ जाती है और ये इसे चिप्स देती है खाने को। ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ट्रेन आती है और ये दोनों अंदर जाते हैं और लूशू देखता है कि इसकी सीट पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये कहता है ये मेरी सीट है। ये लड़का कहता है तो बैठ जाओ यहीं। लेकिन लूशू बार बार इसे परेशान करने लगता है ये कह के कि ये मेरी सीट है। ये गुस्से में खड़े हो जाते हैं और लूशू इसे देख के मन में कहता है ये तो डॉगिंग क्लास का स्टूडेंट है, ई लेवल का है ये तो। तभी पीछे से लड़की कहती है तुम ऑर्डिनरी लोगों से क्यों लड़ रहे हो। लूशू कहता है तो तुम डॉगिंग क्लास के हो। ये कहता है तुम भी डॉगिंग क्लास के हो ना। लूशू कहता है मैं रिपेयरमैन हूँ। ये सुनकर ये हंसने लगते हैं। लूशू कहता है हाँ और मैं किसी को भी रिपेयर कर सकता हूँ। ये सुनकर ये गुस्से में आ जाता है और लूशू को मारने आगे बढ़ता है लेकिन लड़की इसे रोक देती है। और तभी यहाँ पर टिकट चेकर आ जाता है और सभी के टिकट देखता है और इन लोगों को जो है लूशू की सीट छोड़नी पड़ती है। और शाही वो बाहर के नज़ारे देखने लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सब सो रहे होते हैं। लूशू खड़े होता है और थोड़े आगे जाके वही फ्रूट खाता है और प्रैक्टिस करने लगता है जैसे कि इसके हाथ में एक स्वॉर्ड हो। और फिर प्रैक्टिस करते वक्त स्विंग करता है हवा में और यहाँ पे जो विंडो होती है उसमें छेद हो जाता है। ये देख के लूशू खुद हैरान हो जाता है कि ये इसने क्या कर दिया। और फिर से ट्राई करता है लेकिन इस बार नहीं कर पाता। और फिर ग्लास को देख के कहता है लगता है इसके पैसे चुकाने पड़ेंगे। नेक्स्ट दिन में सुबह हो जाती है। लूशू कहता है शायू खड़े हो जाओ लेकिन ये खड़े ही नहीं होती है। लूशू कहता है मैं इंस्टेंट नूडल दूंगा तुम्हें। और ये सुनते ही ये खड़े हो जाती है और अब ये दोनों फ्रेश होते हैं और अब शायू नूडल्स मांगती है। लूशू अब नूडल्स बना रहा होता है लेकिन इसके पेट में फिर गड़बड़ होने लगती है। तभी वही लड़का कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि किंग्स जो का ब्लैक मार्केट रियल है भी कि नहीं। मैंने अपने रिलेटिव से सुना कि वहाँ लोग जो है मैजिक वेपन्स और स्पिरिचुअल वेपन्स बेचते हैं और स्पिरिचुअल स्टोन्स भी। चलो वहाँ पर शॉपिंग करने चले। ये लड़की कहती है पता नहीं स्पिरिचुअल स्टोन्स कितने का होगा। मेरे घर वालों ने सिर्फ 50,000 युआन दिए हैं मुझे। पता नहीं इतने काफ़ी होंगे भी या फिर नहीं। ये लड़का कहता है मेरे पास 1,20,000 युआन है। मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल स्टोन दे दूंगा। ये सुनकर लूशू याद करने लगता है जब इसने जियांग शुई को स्पिरिचुअल स्टोन बेचा था और वो इसे बताता है कि इसकी जो कीमत है वो 1,00,000 युआन है। और लूशू स्माइल करने लगता है। ये बंदा फिर से लूशू से बहस करने लगता है। लूशू तभी कहता है ड्रैगनेट में अपने से ऊपर रैंक वालों को सैल्यूट करा जाता है और अपना कार्ड दिखाते हैं जिसमें लूशू की रैंक होती है लेफ्टिनेंट की, जिसे देख के ये सभी हैरान हो जाते हैं और इनके नेगेटिव इमोशंस बहने लगते हैं। ये लड़की कहती है एक लेफ्टिनेंट। लूशू कहता है तुम ई लेवल के प्रैक्टिशनर्स हमारे ड्रैगनेट को एम्बेरस मत करो। दूसरी लड़की कहती है ये डी लेवल का है जो लेवल एक टीचर का होता है डॉगिंग क्लास के। और अब लूशू इन्हें कहता है क्या यही स्पिरिचुअल स्टोन तुम खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे 1,20,000 युआन काफ़ी होंगे इसे खरीदने के लिए, तो दूसरों को देने की बात तो मत ही करो। और इतने सारे नेगेटिव इमोशंस इसे मिलने के बाद लूशू का निमन काफ़ी खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट दिन में ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाती है और ये सभी जो है ट्रेन से उतरते हैं। शायू लूशू से कह रही होती है तो मुझे डिनर कराने लेने जा रहे। ये कहता है शांत रहो, पहले ब्लैक मार्केट कहाँ पर है वो पता करना होगा और स्पिरिचुअल स्टोन बेचना है वहाँ पर। तभी इस लड़के के अंकल आते हैं और इसे घर चल कर डिनर करने को कहते हैं। लूशू कहता है उसके रिलेटिव की बॉडी में कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं है, क्या एक ऑर्डिनरी इंसान को पता होगा ब्लैक मार्केट के बारे में। लेकिन लूशू फिर भी इनका पीछा करता है और फिर ये गाड़ी रोकते हैं और आगे जाने लगते हैं। लूशू कहता है इस कार में कुछ गड़बड़ है, तुम यहीं पर रुकना। और नीचे जाके गाड़ी के अंदर वाले आदमी से पूछता है क्या आपके पास वॉच है। ये कहता है नहीं। लूशू फिर से पूछता है क्या आपके पास फ़ोन है। ये कहता है नहीं। लूशू फिर से पूछता है क्या आपको पता है कि टाइम क्या हुआ है। और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इरीटेट हो रहा होता है और फिर बोलता है 6:35। लूशू कहता है थैंक्स और यहाँ से चले जाता है। और फिर ऊपर जाकर शायू से कहता है ये ड्रैगनेट से है, डी क्लास जूनियर लेवल के अराउंड, तुम टेस्ट करो आप, अगर कुछ करे वो तो ऊपर आ जाना। और अब शायू जाती है और विंडो पे एक नोट देखती है और इसे निकाल देती है। ये कहता है क्या हुआ बच्ची। शायू कहती है कुछ नहीं,
बस बताना था कि अभी 6:44 हो रहे हैं। और ये सुन के बंदा और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।